Assalamu alaikum everyone, my name is Samrah Asad and you are watching the Artistic Samrah Asad channel. तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही अमेजिंग, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ अफोर्डेबल स्किन केयर प्रोडक्ट्स बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका दिल से थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। कुछ वीक्स पहले डिबैश वालों ने मुझे अपना स्किन केयर प्रोडक्ट सेंड किए थे और मैं उनको जो है वो टेस्ट करके देख रही थी कि वाकई वो अच्छे हैं कि नहीं। अपने स्किन पर अप्लाई करके देख रही थी वो किस तरीके के हैं, अच्छे तरीके से फेस पर अप्लाई होते हैं कि नहीं। और प्लस मैं अभी आपको जितने भी प्रोडक्ट्स बताऊंगी वो सब अफोर्डेबल होंगे, ताकि वो लड़कियाँ भी जो कि अपनी स्किन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हैं वो ईजिली इसको परचेज़ कर सकें और अपनी स्किन पर आसानी से अप्लाई कर सकें। अब मैं आपको एक एक करके डिबैश के सबसे पहले प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ डिबैश के। तो चलिए चलते हैं प्रोडक्ट्स देखते हैं। डिबैश का फर्स्ट प्रोडक्ट है ये ऑलिव सोप। ऑलिव सोप जो है वो ना सिर्फ एक्जिमा को भी ख़त्म करता है बल्कि इसमें कोई भी एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, यानी कि हर एज का इंसान चाहे वो बच्चा हो बूढ़ा हो इसे यूज़ कर सकता है। बहुत ही बेस्ट है ये ऑलिव सोप और हाईली रिकमेंडेड। प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही अमेजिंग है। इनमें से सबसे अच्छा प्रोडक्ट जो मुझे लगा वो इनका है, ये ऑलिव सोप। ऑलिव सोप क्यों अमेजिंग है, क्योंकि ऑलिव सोप में है विटामिन ई और विटामिन ए जो आपकी स्किन को बनाता है फ्रेश और हेल्दी। और उसके बाद इस जो भी आपके स्किन में प्रॉब्लम है, यानी कि पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, पिगमेंटेशन आ जाती है, एक्ने स्कार्स की प्रॉब्लम होती है, तो वो ये ऑलिव सोप अगर आप इसको डेली यूज़ करेंगे तो ये उसको भी जो है वो बहुत से जल्दी रिमूव करेगा। तो अब हम चलते हैं डिबैश के सेकेंड प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है बॉडी बटर। बॉडी बटर जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये हमारी स्किन पर एक थिक लेयर प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पर जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं ड्राई पैचेस से लेकर बड़ी प्रॉब्लम यानी कि एक्जिमा की प्रॉब्लम, ये भी इसको रिड्यूस करता है। और उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मौजूद है विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, जो कि हमारी स्किन को बनाता है ग्लोई। हमारी स्किन से जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं यानी कि ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है वो इसे जल्दी से जल्दी रिमूव करता है। जिस तरीका के मैं आपको अभी दिखा रही हूँ यहाँ पर अपने हाथों पर लगा के, कितना ये शाइनी इफेक्ट दे रहा है। और प्लस चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो, बॉडी बटर हमारी स्किन पर एज अ मॉइस्चराइज़र बेस्ट रहता है। आप अपनी इसे नी पर भी अप्लाई कर सकते हैं और फिर आप अपनी इसे अपनी नेक पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ऑसम रिज़ल्ट है इसका। और उसके बाद जो है मैं अपने हैंड्स पर इसे बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई करती हूँ। तो विंटर्स में है तो विंटर्स में ड्राई पैचेस हो जाते हैं, तो वो ड्राई पैचेस को ये बॉडी बटर बहुत अच्छे से हील कर देता है। और अगर ऑफकोर्स आप समर सीज़न है तो समर सीज़न में आप थोड़े से अमाउंट में बॉडी बटर अप्लाई करेंगे तो वो आपकी स्किन पर जो सन टैन नहीं होने देगा बल्कि आपकी स्किन को स्मूथ रखेगा और आपकी स्किन को बहुत ही ऑसम रखेगा। डिबैश का ये थर्ड प्रोडक्ट है, चाहे वो लिप स्क्रब हो या कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती हूँ जब तक मैं इसे ख़ुद अप्लाई ना कर लूँ। तो ये जो जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों को बताती हूँ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ये सारी मेरी रिकमेंडेशन पर हैं और मैं कभी भी आप लोगों को कोई गलत चीज़ नहीं बताऊँगी। तो ये लिप स्क्रब वनीला है, बहुत ही ऑसम इसकी फ्रेगरेंस है। फ्रेगरेंस बहुत 100 out of 2000 है इसकी फ्रेगरेंस, बहुत ही ऑसम है। और प्लस इसका काम भी बहुत अच्छा है। लिप स्क्रब का काम क्या होता है कि वो आपके लिप्स से इम्प्योरिटीज़ और डर्ट को रिमूव कर देता है और आपके लिप्स को बनाता है ग्लॉसी, परफेक्ट और शाइनी। तो मेरे लिए तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, ज़रूर लिप स्क्रब डिबैश का यूज़ करें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है लिप बाम। ये भी डिबैश कंपनी का है, बहुत ही ऑसम इसकी फ्रेगरेंस है। अभी मैं आप लोगों को इसको अप्लाई करके दिखाऊँगी लिप बाम को। लिप बाम हमारे लिप्स पर मौजूद ड्राई टिश्यूज़ को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है और इसे सील कर देता है और प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रा वायलेट रेज से और कोल्ड टेम्परेचर से। आप लिप बाम बिफोर लिपस्टिक और लिप ग्लॉस भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि मुझे ऐसे ऑर्गेनिक वालों ने सेंड किया था। ये मुझे 2 weeks पहले सेंड किया था इन्होंने, मगर मैं इसका रिव्यू नहीं दे रही थी क्योंकि मैं टेस्ट कर रही थी, अपने स्किन पर अप्लाई कर देख रही थी। ये बॉडी स्क्रब है, ये एप्रिकॉट बॉडी स्क्रब है जो ऐसे ऑर्गेनिक्स वालों ने मुझे सेंड किया है। ऐसे ऑर्गेनिक का एप्रिकॉट स्क्रब जो है वो पाउडर फॉर्म में है। आप इसे किसी भी रॉ मिल्क से मुझे एलर्जी है, मेरे पिंपल्स आ जाते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ जो है वो बॉयल वाटर यूज़ किया है इसको मिक्सचर बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपको थोड़े से अमाउंट में बॉयल वाटर लेना है अगर आपको मिल्क से कोई प्रॉब्लम है, वरना आप रॉ मिल्क भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले
बेनिफिट्स की बात करते हैं, आप इसे अप्लाई करते हुए स्किन पर देख रहे हैं मैं किस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। अगर हम इसकी बॉडी स्क्रब की बेनिफिट्स की बात करें तो ये हमारी डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, ना सिर्फ हमारे डार्क पैचेस को रिमूव करता है बल्कि हमारी स्किन के जो टेक्सचर होता है वो इसे स्मूथ करता है। बॉडी स्क्रब जो है वो हमारी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पर जितने भी एक्ने होते हैं वो रिड्यूस होने लगते हैं और हमारी स्किन स्मूथ हो जाती है। नेक्स्ट प्रोडक्ट मुझे ऐसे ऑर्गेनिक वालों ने सेंड किया था, रोज़ पेटल फेस मास्क। फेस मास्क अप्लाई करने का बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग का, तो आप मॉर्निंग में इसे अप्लाई कर सकते हैं। रोज़ पेटल फेस मास्क भी इनका पाउडर फॉर्म में है, आप इसको ब्रेडी करने के लिए, मैंने यहाँ पर वैसे तो इसमें रॉ मिल्क लिखा हुआ था पर क्योंकि मुझे रॉ मिल्क से थोड़ी एलर्जी हो जाती है मेरी स्किन पर, तो मैंने यहाँ पर हनी यूज़ किया है। अगर आपकी स्किन पर भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप हनी यूज़ कर सकते हैं, फिर अच्छे तरीके से इसका मिक्सचर रेडी कर लें जिस तरह से मैं यहाँ पर आप स्किन पर देख सकते हैं, मैंने स्किन पर आपको करके दिखाया कि इस तरीक़े का। अगर आप इसमें हनी ऐड कर रहे हैं तो आप इसमें एक चम्मच हनी ऐड करें, क्योंकि मैंने भी यहाँ पर एक चम्मच ही ऐड किया है। रोज़ पेटल में मौजूद होती हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, जो हमारे स्किन पर पिंपल्स को और रेडनेस को रिमूव करती हैं। रोज़ पेटल में मौजूद होता है अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड, जो हमारी स्किन पर मौजूद लार्ज पोर्स प्रॉब्लम को मिनिमाइज़ करता है और हमारे पोर्स को टाइट करता है। वो लड़कियां या वो लड़के जिनकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन स्किन है या एक्नी प्रोन स्किन है या सेंसिटिव स्किन है, उनके लिए ये रोज़ पेटल फेस मास्क बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये उनके लिए बेस्ट है। कोई भी रिएक्शन नहीं देगा आपको, कोई भी एक्नी प्रॉब्लम आपकी बढ़ेगी नहीं, और बल्कि ये रोज़ पेटल फेस मास्क आपकी स्किन को स्मूथ करेगा, शाइन प्रोवाइड करेगा और आपकी स्किन पर मौजूद एक्नी स्पॉट्स को भी ख़त्म करता है। तो लाजमी से ये प्रोडक्ट ज़रूर से बाय करें, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूँगी। ये ऑर्गेनिक सोप मुझे नेचर एंड यू ने भेजा था, नेचर एंड यू के ये ऑर्गेनिक सोप बहुत ही अच्छा है, मेरे हैंड्स को इसने सॉफ्ट कर दिया था और ये तमाम केमिकल वाले सोप से बेहतर है, तो परचेज़ करना हो तो ज़रूर से परचेज़ करें। नेचर एंड यू बाय ताज़ीम फैसल ने मुझे ये फेस पैक भी दिया था और ये फेस पैक मैंने अपने स्किन पर अप्लाई करके देखा तो ये भी अच्छा है और इसने कोई भी एलर्जी नहीं की और कुछ भी ऐसा नहीं था, क्योंकि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। तो ये आप अगर आपकी स्किन पर कोई रिज़ल्ट अगर उस तरीक़े से अच्छे नहीं देगा तो इतने ख़राब भी नहीं देगा, यानी कि आपकी स्किन को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा। अगर मैं ओवरऑल रेट करूँ इनके प्रोडक्ट को और प्लस पैकेजिंग के साथ तो 10 out of 7 मैं दूँगी, रिज़ल्ट अच्छा है। अब मैं क्योंकि इन्होंने मुझे ये फेस पैक पाउडर फॉर्म में था तो मैंने इसमें हनी मिक्स किया है, अच्छे तरीके से हनी मिक्स करने के बाद फिर फेस पैक 10 to 20 मिनट्स के लिए आपको ये फेस पैक अप्लाई करके रखना है अपने फेस पर, ताकि आपको जो है वो बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकें। ऑर्गेनिक फेस मास्क हमारे स्किन के पोर्स को रिफाइंस करते हैं और क्लीन करते हैं। अब यहाँ पर आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं, नेचर एंड यू के फेस पैक का बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। आप लोगों को लेना हो तो ज़रूर से जाकर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, ज़रूर से ले। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी हर वीडियो की अपडेट मिल सके। इसे एंड तक ज़रूर देखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।